ओके गाइस, सो लिक्विड लिपस्टिक लगाने का रूल नंबर वन है कि आपके लिप्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ खाया पिया है तो उसको क्लीन कर लीजिएगा लिक्विड लिपस्टिक लगाने के पहले, और तुरंत आपको अप्लाई कर लेना है अपना कोई भी फेवरेट लिप बाम। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन का बेबी लिप्स, आप कोई भी लगा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा टिंटेड लिप बाम ना हो, अदरवाइज आपके लिपस्टिक के कलर पर उसका थोड़ा बहुत असर आ जाएगा। अब लिप बाम अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना है इसे अब्जॉर्ब होने का, और जब आपका लिप बाम पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए तब आपको चाहिए होगा इस तरह का कोई कॉम्पैक्ट या फिर टैल्कम पाउडर भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें इसे यूज़ करना है अपने आउटर लिप्स पे। कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा पाउडर मैं अपने लिप ब्रश पे लूँगी और इस तरह से जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। अगर मिरर में बिल्कुल पास जाके आप देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये एरिया थोड़ा सा डार्क होता ही है हम सबका, जो कि वैसे नॉर्मल लिपस्टिक्स में तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन लिक्विड लिपस्टिक्स से कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये था हमारा। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि जो भी आपके लिक्विड लिपस्टिक है, अगर उससे मैचिंग आपके पास कोई पेंसिल लिपस्टिक है या फिर मैट लिपस्टिक है, तो आप उसे अपने लिप्स के आउटर लाइन पे अप्लाई करेंगे, या फिर अगर नहीं है तो कोई भी नेचुरल पिंक लिपस्टिक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लैक्मे 925 का MP19 ब्लश बुक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी नेचुरल पिंक लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिपस्टिक को मैं बिल्कुल ज़रा ज़रा सा अपने आउटर लिप लाइन पे लगाऊंगी। ध्यान रहे कि लिप्स के बाहर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है आपको अपने लिपस्टिक को। सो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। ये स्टेप हमने इसलिए किया है क्योंकि जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं ना, वो आउटर लिप लाइन पे ही बहुत ही ज़्यादा केकी और पैची लगती हैं। अब जब हम लिक्विड लिपस्टिक लगाएंगे तो हम उसे बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं लगाएंगे, हम आउटर लिप लाइन को छोड़ते हुए उसे अप्लाई करेंगे और फिर इसी ब्रश की हेल्प से दोनों लिपस्टिक्स को मर्ज कर देंगे। सो ये है वो न्यूड लिपस्टिक जिसे मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ, और अप्लाई करने के पहले आपको इसे अच्छी तरह से शेक कर लेना है। ओके, अब इस एप्लीकेटर से एक्स्ट्रा लिपस्टिक को हमें हटा देना है, और एक बात याद रहे जो कि हमें इसे अप्लाई करने के बाद नहीं करनी है, और वो है जो कि हम नॉर्मल लिपस्टिक्स को अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आप ये करेंगे ना तो इसे ड्राई होने का टाइम नहीं मिल पाएगा। अब इसे लगाने के बाद मुझे तो वीडियो बनाना है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको बिल्कुल बोलना नहीं है। और धीरे धीरे इस लिक्विड लिपस्टिक को हमें आउटर लिप लाइन पे जो हमने पहले लिपस्टिक लगाई थी उससे मर्ज कर देना है इस ब्रश की हेल्प से। बहुत ही हल्के हाथों से आपको ब्रश चलाना है, अदरवाइज जो लिक्विड लिपस्टिक हमने अंदर के साइड में लगाई है ना वो ख़राब हो जाएगी। सो फाइनली हमने लिक्विड लिपस्टिक को सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। एक्चुअली बहुत ही बड़ा टास्क था ये। जब ये ड्राई हो जाए पूरी तरह से तब आप इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए एक और काम कर सकते हो, और वो है कि इस कॉम्पैक्ट पाउडर को थोड़ा सा अपनी फिंगर्स पे लो, और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी ना तब अपने लिप्स के ऊपर हल्का हल्का सा लगा लो। इससे क्या होगा ना कि ये कंप्लीट मैट लुक आपको दे देगा और साथ ही साथ आपके लिपस्टिक को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बना देगा। सो गाइज, ये था एक छोटा सा वीडियो कि आप किस तरह से लिक्विड लिपस्टिक्स को बहुत ही आसानी से परफेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखते रहने के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।